नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मूली की सब्जी बनाऊंगी। मूली की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत आसान है और बिना मसालेदार भी है। फिर चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मूली हम ले लिए हैं और इसको धुल के रख लिए हैं। अब इसको हम काटेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम मूली का पत्ता काट लेंगे। मूली अलग रख दिए हैं, इतना थोड़ा सा ये डंठल निकाल दे रहे हैं और केवल इतना हमको काटना है। ये देखिए, ऐसे ही हम काट लेंगे। और ये मूली लिए हैं, ये जो ये थोड़ा थोड़ा ये ख़राब है इसको निकाल देंगे। और ये जो ऐसे ये थोड़ा निकला रहता है इसको भी थोड़ा छांट देंगे, सफ़ा कर देंगे मूली को। ये फिर ऐसे करके बीच से एक बार काट के काट लेंगे इसको। ऐसे ऐसे ही हम सारी मूली काट लेंगे। ये देखिए, मूली और पत्ता हम दोनों काट लिए हैं। अब फिर चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। ये हम सरसों का तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। लहसुन से ज़्यादा पड़ता है तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लहसुन हम हल्का भून लिए हैं। अब इसमें हरा मिर्च भी डालेंगे। लहसुन मिर्च अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें मूली डालेंगे, मूली का पत्ता और मूली। अब इसको अच्छे से चला लेंगे सब्ज़ी को। अच्छे से हम चला दिए हैं। अब इसको हम दो तीन मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से खूब चलाते बने, तब हम इसमें नमक डालेंगे। दो तीन मिनट हो गया है। ये देखिए, सूख के थोड़ा कम हो गई है सब्ज़ी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं और सब्ज़ी अभी और सूख के कम होगी। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। 5 मिनट के लिए हम फिर से ढक दे रहे हैं। ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है। अभी मूली हमारी हल्की पकी है, इसको फिर से ढकना है 5 मिनट के लिए। ये देखिए, सब्जी हमारी पक गई है। अब हम गैस को तेज करके 2-3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। हम 2-3 मिनट तक भून लिए हैं। ये मूली की सब्जी बनके तैयार है। अब आप लोग भी बनाइए और घर में सबको खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के धन्यवाद। बाय बाय।